सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमारा यूपीएससी IIES एग्ज़ाम हुआ, और क्या हमारा MBPSC AE का एग्ज़ाम है, MBPSC AE SSC JEE के एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है RRB JEE, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे ऑरिजिन इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस की, सॉइल क्या होती है, कैसे इसका फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या, टाइप्स ऑफ सॉइल कितने तरीके से होती है, उसका हम यहाँ पे लास्ट में रिविजन कर लेंगे। हमने यहाँ पे सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारा क्या स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने क्या क्या देखे थे, फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। तो ये फेज डायग्राम को क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को फेज डायग्राम समझ में आ गया, मतलब आप सॉइल के सारे फॉर्मूलेस के अब मतलब डायग्राम के थ्रू आप बना सकते हैं, जिसमें हमने 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, तो जिसमें से हमने क्या वॉइड रेशियो पढ़ लिए थे, पोरोसिटी हो गया, वाटर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस किए थे, एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि ड्राई यूनिट वेट क्या होती है, हम यहाँ पे अभी क्लास में लास्ट में इसका रिविजन कर लेंगे, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा डी, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट बोल रहा है, तो गामा डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट किसको इंडिकेट करता है, मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल को, किसको इंडिकेट करता है, मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल या फिर डेंस सैंड को रिप्रेजेंट करता है ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए, कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, क्या, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें सॉलिड और कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा, तो ये कंडीशन होती है सैचुरेटेड का, मतलब कि हमारे पास कितना सॉलिड और वाटर है, उसका कितना वजन, तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे जो वॉइड्स रहेंगे वो किससे फिल्ड रहेंगे, वाटर से फिल्ड रहेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इसके अदर नेम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से, और ये होता क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। यूनिट के लिए बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिटलेस, क्या होती है, यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। बहुत बार ऑप्शंस में पूछ लेती हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको कितने डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे मेजर के लिए बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। एंड अब हम बात करें कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसके और नाम क्या है, क्योंकि इसके डबल क्या है नाम पूछ लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। और इसका अदर नाम क्या है, ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोला जाता है, ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोला जाता है। इसके तीन नाम है, एब्सोल्यूट एंड ग्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वैल्यूज के लिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ तक लाइ करती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2.62-2.80 तक लाई करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बात करें कि अगर इनऑर्गेनिक की कंडीशन है, इनऑर्गेनिक के लिए कितनी लाई करेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, 1.62-1.8, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी, 2.62-2.8। तो ये था हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कंडीशन। हम लोग
बात करने वाले थे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को किसके थ्रू डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी के थ्रू। और हमने ये भी डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन क्या होती, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इसको बोला जाता है। मैं आपको डबल से क्यों बता दें, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमारा FM में भी है, हमारा सॉइल मैकेनिक्स में भी पूछा जाता है एंड और अदर सब्जेक्ट में भी, मतलब एग्जाम में ये डेफिनेशन बहुत पूछते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इसकी ये जो यूनिट होती है ये यूनिट लेस होता है। अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसकी वैल्यू के लिए बात करें तो 2.6 टू 2.8 होती है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनऑर्गेनिक के लिए क्या होता है 1.2 टू 1.4। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये मिनरल कंटेंट की क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। और जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो जो मिनरल कंटेंट होगा ये भी ज़्यादा होगा, एंड जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ज़्यादा होने से अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, इनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड उसमें क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब कि ग्रेवल सैंड वगैरह में क्या रहती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को किसके थ्रू डिनोट किया जाता है, जीएम के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। तो जीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वाईटी किसको डिनोट करता है, बल्क यूनिट वेट को। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेकेंड फॉर्मूला, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हम लोग जो सॉल्व करते हैं जो हमारे लिए काम आएगा, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो ई किसको डिनोट करता है, वॉइड रेशियो। ई क्या डिनोट करता है, वॉइड रेशियो के लिए होता है। एंड इसकी अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो जी एम इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड 1 माइनस एन। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जी एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। एंड जीएम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को। आपको नोटेशन अच्छे से ध्यान रखना है, देन उसके बाद ही आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें यूनिट लेस होती है, ये भी इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है एंड इसके अदर नेम क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी इंडेक्स बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है खासकर एसएससी जेई के एग्जाम में, और इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी एंड इसके अदर नेम भी पूछ लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोला जाता है, जैसे डेंसिटी इंडेक्स हो गया। इसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं, हम यहाँ पे डी आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी डी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो, क्या नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिनिमम वॉइड रेशियो, क्या मैक्सिमम माइनस नेचुरल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट इसका एक और फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट डिवाइडेड बाय नेचुरल ड्राई यूनिट वेट, नेचुरल ड्राई यूनिट वेट। तो क्या जाएगा यहाँ पे, जो नेचुरल ड्राई यूनिट वेट है, नेचुरल ड्राई यूनिट वेट को माइनस करेंगे किसमें से, मिनिमम ड्राई यूनिट वेट से, मिनिमम से, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है उसको माइनस करेंगे हम किससे, मिनिमम से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी इसको बोला जाता है। अब हम रिलेटिव डेंसिटी की कुछ वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये रिलेटिव डेंसिटी है, क्या रिलेटिव डेंसिटी एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें, जैसा हम जीरो से लेके क्या 15 तक, जीरो से 15 तक इसकी वैल्यूज हैं। तो इस कंडीशन को, रिलेटिव डेंसिटी अगर 0 से 15 है तो अगर हम बात करें जिसको क्या बोला जाता है, वेरी लूज सॉइल। तो सॉइल कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लूज होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 15 से लेके 35 तक अगर वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी की, तो सॉइल कैसी होगी हमारे पास, लूज सॉइल होगी, 15 से 35 के बीच में। और अगर
35 से 65 तक रिलेटिव डेंसिटी है, तो सॉइल कैसी होगी हमारे पास, मीडियम डेंस होगी। कैसी होगी, मीडियम डेंस की कंडीशन में होगी। और अगर 65 से 85 होगी तो अगर सॉइल कैसी होगी हमारे पास, डेंस सॉइल है। कैसी सॉइल होगी, डेंस सॉइल। और अगर 85 से 100 है रिलेटिव डेंसिटी तो सॉइल कैसी होगी, वेरी डेंस होगी। कैसी कंडीशन होगी, वेरी डेंस। तो ये वैल्यूज आप लोग को ध्यान रखना कि 0 से 15 तक है तो वेरी लूज, 15 से 35 तक होगी तो लूज, और 35 से 65 है तो मीडियम डेंस, और 65 से 85 है तो डेंस, और अगर 85 से 100 है तो वेरी डेंस सॉइल। तो आज के टॉपिक में हमारा क्या है, ये सारे डेफिनेशंस कंप्लीट हो गए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे इसके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको उसे वो फॉर्मुलेस देख लिए तो समझ लो कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट, एंड यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके फिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मुलेस बताऊंगी, और प्लस इसके हमने जो जो अभी तक पढ़ा हुआ है कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, शॉर्ट में इसके रिविजन करवा दूंगी। थैंक यू।